हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 से हिंदी पुस्तक कौंडिल्य के गद्य खंड से दूसरा अध्याय 20 के दांत के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इसके 4 भाग हुए थे और इस कहानी के कुल 4 भाग हुए थे और चारों भाग हम पढ़ चुके हैं और आज हम उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो उसके वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद लेखक है नलिनी बच्चन शर्मा जी। इसके पहला प्रश्न है इसका, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, मतलब 4 उत्तर दिए गए हैं और चारों उत्तर में से जो उत्तर सही होगा उसके ऑप्शन हमें लिखने हैं। तो इसका पहला जो ये ऑप्शन है अमरकांत, बी है नलिन विलोचन शर्मा, सी है यतीन्द्र, डी है मैक्स मूलर। इसका उत्तर होगा बी, नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा। दूसरा प्रश्न है इसका, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए डॉक्टर, बी पत्रकार, सी इंजीनियर, डी लेखक। इसका उत्तर होगा सी इंजीनियर। सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसका ऑप्शन है ए 1914, बी 1915, सी 1916, डी 1917। इसका सही उत्तर होगा सी 1916। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ। चौथा प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े? ए है मदन ने, बी में है मदन के दोस्त ने, सी में है सेल साहब ने, डी में है गिरधर ने। इसका उत्तर होगा ए मदन ने। खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे लड़ाई के दौरान। पांचवा प्रश्न है, 20 के दांत पाठ की विधा है? ए है निबंध, बी में है व्यक्ति चित्र, सी में है कविता, डी में है कहानी। इसका सही उत्तर होगा डी कहानी। 20 के दांत पाठ की विधा है कहानी, यह कहानी है। छठा प्रश्न है हमारा, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं, किस पाठ की उक्ति है ये? इसके 4 ऑप्शन है, ए है बहादुर, बी है शिक्षा और संस्कृति, सी में है मछली, डी में है 20 के दांत। इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी, 20 के दांत। यह उक्ति जो है, यह पंक्तियां जो है 20 के दांत कहानी नामक से ली गई। सातवां प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? ए है बेटियों के अनुसार, बी है खोखा के अनुसार, सी है मदन के अनुसार, डी है गिरधर के अनुसार। इसका सही उत्तर होगा बी, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया, क्योंकि सेन साहब खोखा को अपनी आंखों का तारा मानते थे, बहुत प्यार करते थे खोखा से। आठवां प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही है? इसके 4 ऑप्शन है, ए सेन साहब की पत्नी ने, बी है गिरधर ने, सी है सेन साहब ने, या फिर डी सोपड़ी। तो यह जो उक्ति है, यह जो पंक्ति है, इसमें किसने कहा था? सेन साहब ने। इसका उत्तर होगा सी सेन साहब। नौवां प्रश्न है, सेन साहब के कार की कीमत
है ए 7,500, बी 8,500, सी 9,500, डी 7,50,000। इसका उत्तर होगा ए 7,500। सेल आपके कार की कीमत थी 7,500। दसवां प्रश्न है, सेल साहेब की आंखों का तारा है। ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा बी खोखा। सेल साहब की आंखों का तारा है खोखा। 11वां प्रश्न है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? एक खोखा से, बी मदन से, सी सीमा से, या फिर डी शेफाली से। सीमा और शेफाली जो उनकी बेटियों के नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ए खोखा से। मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से, क्योंकि खोखा बहुत शरारती था। तो ये आज के हमारे कुल 11 प्रश्न हुए, 20 के बाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आप लोगों को अपने परीक्षा की तैयारी में बहुत ही मदद करेंगे। और ये इन्हें एक शब्द में ही इनका उत्तर लिखना होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के, इसलिए याद करने में भी बहुत आसानी होती है। और तो इसलिए आप लोग तो इसे अच्छी तरह से याद कीजिए और मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू।